वही रिमूव किए, नहीं रिमूव हुए तो कहा कल करेंगे, ठीक है। तो ये के हमारे पास आ गया जी, कंसोल के इन्फो। अब ये के डॉट की कैरेक्टर की मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो कंसोल के इन्फो होता है इसका एक प्रॉपर्टी है की कैरेक्टर, यानी इसके थ्रू आप ये देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आया है। आपको पता है ना कि हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उस आस्की वैल्यू के अगेंस्ट हम थोड़ा सा काम यहाँ पे करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की आस्की वैल्यू है 65, तो 65 को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो क्या बन जाएगा, 6500, ठीक है। 66 का 6600, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और आगे हम ड्यूरेशन खुद से देंगे, ठीक है। ये हमने इंट के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैरेक्टर सी को, सिंपली उसका मैं अभी आपको वे बताता हूँ। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इंट वी ए एल इक्वल्स या फ्रीक्वेंसी, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पे कर देता हूँ जी कंसोल, यहाँ पे हमने पहले हमने क्या किया, की गेट की, की के अगेंस्ट उसकी आस्की वैल्यू गेट की, और फिर आस्की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 किया ताकि फ्रीक्वेंसी की रेंज बन जाए। और फिर उसके बाद उसको क्या हमने करवा दिया, कंसोल डॉट डीप के अंदर वो वाली फ्रीक्वेंसी दे दी, और ड्यूरेशन फिलहाल मैं दे देता हूँ 1000 ही या 500 दे देते हैं, लेट्स से 500 दे दी, ठीक है। और अब इसको रन करके चेक करते हैं, और इसने हमें एरर दे दिया है कंसोल डॉट। अच्छा मैं अब कुछ लिखने लगा हूँ, डिफरेंट आ रही हैं आपको साउंड्स, इसमें इतना ज़्यादा चूंकि उसका फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस नहीं आ रहा, शायद उस वजह से आपको शायद। और इसमें एक जो मैंने रखी हुई है 500 इसकी जो ड्यूरेशन है, मैं इसको 100 कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। हाँ कोई भी की जा रही है, हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं, ये एंटर है, ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी हमने एक छोटी सी आपकी इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेशन बनाई है कि चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है, ठीक है। वैसे आपको यार पियानो बनाओ, कोई भी की प्रेस हो उसमें अलग से आवाज आए तो शायद आपको बड़ा अजीब सा लगता, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने किया है, अब आप इसकी सिंपली है फ्रीक्वेंसी। अब मैंने एक्स पहले मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, अब मैं 150 करके चेक करता हूँ। अब जाहिर बात है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ये हल्की होती जा रही है, 50 के साथ करते हैं, सिंपल 50 या 70 के साथ करके चेक करता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी आपने बस देखनी है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं छोटा सा इस पूरे का प्रोग्राम का कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया, कंसोल की इन्फो का एक के नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, जिसका स्ट्रिंग का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हमने किसका बनाया, कंसोल की इन्फो का। फिर मैंने वाइल का एक लूप लगा दिया, इनफिनिट लूप लगा दिया, और यहां मैंने यू किया कि के इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड, क्या था, रीड की ये कर दिया, और यहां पे मैंने इसको ट्रू कर दिया। ये ट्रू दरमियान में ये रीड की को ट्रू करने का पर्पस क्या है, ट्रू करने का पर्पस ये है कि जो भी आप की प्रेस कर रहे हो वो कंसोल के ऊपर ना डिस्प्ले हो। जिस तरह गेट सी एच होता है, आप कैरेक्टर ले लेता है लेकिन डिस्प्ले नहीं करवाता, गेट सी एच ई होता है तो वो कैरेक्टर डिस्प्ले भी करवाता है। अगर आप रीड की के अंदर ट्रू लिख देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा, ट्रू नहीं लिखेंगे तो वो कैरेक्टर भी डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स से मैं इसको ट्रू को हटा के देखता हूं, तो अब यहां पे
ठीक है, ये सारे आप नज़र, ये यहाँ पे हम मुझे नज़र भी आ रहे हैं, तो ट्रू लिख देंगे तो वो आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा कि भाई क्या चीज़ वहाँ पे आ रही है। ये कंसोल की इनपुट आएगा, कोई भी वेरिएबल रख लें, मैंने के रख लिया, आप इसको क्यू रख लेते हैं, के वाई रख लें, ए बी सी रख लें, कुछ भी रख लें, ये तो हमने एक वेरिएबल का नाम रखा है, ये एक्चुअल चीज है, ये क्लास है, इसका ये वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। उसके बाद वाई टू के अंदर ये क्यों मैंने किया, एक जाहिर बात है कंसोल की मुझे एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए ये मैंने वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे क्या रख दिया, के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये अब मेरे पास के किस में आया हुआ है, कंसोल की इन्फो में, अब इससे मैंने की एक्सट्रैक्ट कर दी, रीड की, रीड की, रीड लाइन हमने इसलिए नहीं यूज किया कि उसमें हमें एंटर करना पड़ता है, यहाँ पे हम सिंपली कोई की प्रेस करेंगे वो के में चली जाएगी और हमें एंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब के किस पे आता है, कंसोल की, इसके अंदर से हमने अब क्या निकालनी है, की निकालनी है, तो की निकालने के लिए इसी के का एक एट्रीब्यूट समझ लें, उसका एक डाटा मेंबर समझ लें, एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ी नहीं है, जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, डाटा मेंबर और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो इसका एक फंक्शन है की, सॉरी एक एट्रीब्यूट है की कैरेक्टर, मैं यूं करता हूं, लेट से एक कैरेक्टर मैंने रख लिया, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू के डॉट की कैरेक्टर, यानी के, ये जो के हमने लिया है, ये वाला जो के लिया है, इसके अंदर कौन सा की कैरेक्टर है, कैरेक्टर कौन सा है, तो मुझे एक कैरेक्टर दे देगा ए बी सी डी, जो भी कैरेक्टर इनपुट हुआ है। अब मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे उस कैरेक्टर की वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू, आस्की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि डायरेक्टली सिंपल कास्टिंग के थ्रू इसको यूं कर लेता हूं कि int, लेट से मैंने x बनाया, int x equals to, यहां पे लिखा int और यहां पे लिख दिया c, यानी c को किस में कन्वर्ट करो, int में कन्वर्ट करो, और उसको किस किसको साइन कर दो, x को, कन्वर्ट के ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, कन्वर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बजाते खुद एक इंटीजर ही होता है, बैक एंड पे कैरेक्टर जो है उसमें इंटीजर ही स्टोर होता है, क्योंकि आस्की ही होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यानी एक्स में क्या आ गई, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आ गई। अब ये चूंकि काफी वैल्यू छोटी होगी, 65 फ्रीक्वेंसी काफी कम है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट से मैंने यू रख दिया, एक वेरिएबल बनाया इन फ्रीक, फ्रैक नाम का कोई भी, या कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी आप बना सकते हैं, इन फ्रैक इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी उस फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर 65 है तो क्या हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इससे अब क्या हुआ, इन फ्रैक हमने कर दिया, अब हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आके ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, अब हमने यहाँ लिखा अपना कंसोल डॉट गीत, यहाँ पे इसको पहले में दे दिया फ्रीक्वेंसी और दूसरा दे दिया 100, यानी ड्यूरेशन 100 के लिए इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी की बीप आप जनरेट कर जी। यहाँ पे नहीं एक्सीड कर रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर मल्टीपल एक्स की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 65 हुई तो वो 6500 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब की प्रेस करेंगे तो मे बी कि वो 90 आ जाए, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो वो 9000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इतना सा टोटल प्रोग्राम है, और ये आपके यहाँ पे आपका वाइल का लूप खत्म हो गया, और ये आप घर पे जाके अपने लैपटॉप पे या ऐसे पीसी पे जिसके अंदर कोई मौजूद है छोटा सा कंसोल स्पीकर, स्पेसिफिकली जो IBM वगैरह के जो ब्रांडेड आते हैं उनमें अन भी होता है, ठीक है, ये बनाए, ये आपका छोटा सा पियानो बन गया, और अगर आपने बड़ा पियानो ओरिजिनल बनाना हो मिडी वाला, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपने पियानो कभी यूज किया है, सॉफ्ट पियानो, सॉफ्टवेयर आता है ना एक पियानो का, तो वो भी किसी ने बनाया है, वो प्रोग्रामिंग वो भी में नॉर्मली बना हुआ है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, लाइब्रेरीज और जो साउंड है जो उस वो आपको प्रोवाइड करती है मिडी की, वो यूज करनी है, फिर आप जब की प्रेस करेंगे तो प्रॉपर एक साउंड निकलेगा, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं, इस तरह ये आसान है, इस तरह वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो प्रोग्रामिंग वैसे
है भी बहुत ज़्यादा आसान चीज़। इसमें सिर्फ जो आपको चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए।